बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनडीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन डिप्टी कंट्रोलर इन सिविल डिफेंस होम डिपार्टमेंट में का जो पेपर था 20/1/2019 को पेपर हुआ था, उसका आज आखिरी पार्ट है, पार्ट 5। इसके साथ पेपर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये पेपर बाय पार्ट्स था। अगर किसी को कंप्लीट पेपर एक ही वीडियो में चाहिए तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है दोस्तों, उसको विजिट करके आप वॉच कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर यहां देखिए, इस चैनल को क्लिक करें, ये वाला जॉब्स टेस्ट मास्टर, यहां पर आपको न सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे पेपर जो है वो आपको मिलेंगे। वहां पर आपको पूरा पेपर एक ही वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, ये पेपर है, क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। ये वाला 81 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर ये नजर नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं जाता, इसलिए मैंने एमएस वर्ड में कॉपी की है, लिखा हुआ है, इसको वहां से इसको हल करते हैं। यह है पेपर हमारा, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ जाते हैं। ये देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास है। दिस वन इंग्लिश पार्ट है, कुछ थोड़ा सा मुश्किल है, समझने की जरूरत है आपको दोस्तों। देखें, दिस इज क्वेश्चन 81। क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द टाउन हैज मशरूम्ड, इस लफ्ज को देखिए, रिसेंटली। मशरूम एक पौधा भी है जो उसको लोग खाते भी हैं, पका के खाते हैं, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म नहीं होता। यहां पर ईडी का लफ्ज लगा हुआ है इसको, और ईडी हम किस के साथ लगाते हैं, वर्ब के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये लफ्ज क्या है, ये वर्ब है। पिकनिक का मतलब क्या, द टाउन हैज मशरूम रिसेंटली, मशरूम का मानी है फैलना, कि ये गांव आज रिसेंटली फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को। क्वेश्चन नंबर 82, दिस वन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओबेसिटी इज अ डेंजर टू हेल्थ। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, मोटापा जो है सेहत के लिए खतरनाक है। तो यहां पर अब जरा गौर करें, मोटापा एक नाउन है, नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव भी एक तरीके से हो सकता है, सेहत का बढ़ना, लेकिन यहां पर जिसका इस्तेमाल हुआ है तो ये एज अ नाउन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस फिक्र को आप पूरा खुद पढ़ लें, ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगी, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन आपने इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसकी कंफर्मेशन करनी है, क्या है, मैंने जो ऑप्शन सी लगाया है ये 100% सही है या नहीं। बट टू मी, मेरे लिहाज से, मेरे ख्याल के मुताबिक ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, चूज द बेस्ट ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ माइट। MITE, छोटे स्मॉल को कहते हैं, तो यहां पर ऑप्शन बी को देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी स्मॉल, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है हमारे पास, ऑप्शन बी है दोस्तों, और इसके मानी है आमद रक्त।
क्वेश्चन नंबर 86 को देखें। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, अ रोर कैपिटल ऑफ सेन ड्यूरिंग द डेज ऑफ राजा दाहिर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन ये सक्कर में है, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आसान, मेरे ख्याल में इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 87 सिमिलर यही तरह की क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, रजिया सुल्ताना। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, मोमल जी मारी, प्लेस फेमस फॉर मोमल रानो स्टोरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, गोटकी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 89 को देखें। क्वेश्चन नंबर 89, रूपा मारी कैपिटल ऑफ सेन ड्यूरिंग सुमरा पीरियड इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बदीन। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 को देखें। बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को शिकस्त दिया था। क्वेश्चन नंबर 91, हु वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हफीज कारदार। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन 92 देखें। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सीनेट, हबीबुल्ला खान। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 93 देखें। हु कॉल्ड द 22nd दिसंबर एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस यूमी निजात। ये 22 दिसंबर 1939 की बात है दोस्तों, कि कांग्रेस ने अपनी वजारतों से इस्तीफा दिया था, तो उस खुशी में 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था और ये ऐलान कायदे आजम ने किया था। क्वेश्चन 94 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास है दिस वन। द अथर ऑफ द बुक स्ट्रगल फॉर न्यू सिन इज, इसका अथर का नाम जो है ये जी एम सैयद। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, द सॉइल ऑफ इंडस डेल्टा इज क्लेई। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, पाकिस्तान मेनली इंपोर्ट एडिबल ऑयल फ्रॉम मलेशिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 97, द ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिन, ब्रिटिश पॉलिसी एंड सोशल चेंज इन द 19th सेंचुरी इज, ये किताब किसने लिखी है दोस्तों? डॉक्टर हमीदा होरो। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 98 देखें। लवारी पास कनेक्ट लवारी टनल और कॉल पास जो है ना, अपर दीर को चित्राल के साथ मिलाता है। अपर करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दोस्तों। चार्ल्स नेपियर अपॉइंटेड टू परफॉर्म जुडिशियल ड्यूटीज इन सेन। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन, Who among the following Sultan of Delhi has been described by the historian as the mixture of
उसमें मोहम्मद तोगलक, और मोहम्मद तोगलक जो है ये दिल्ली के सुल्तान रहे हैं 1325 से लेकर 1351 तक। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट पेपर। पेपर अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।